छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं और मतदान करते हुए जो है वो बताएंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं मतदान में, जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि लगातार जो टीवी चैनल्स के लोग हैं या पत्रकार हैं वो उनसे चर्चा कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है या जो उप मुख्यमंत्री है वो क्या सोचते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। वो जब वोट करने पहुंचे अपने परिवार के साथ तो वो क्या चीज पे जो है करेंगे और उनका जो है वोट करना किस लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए भी संदेश जाता है कि किस तरह से वो लाइन पे लगते हैं, क्यों पे होते हैं, पूरे परिवार के साथ वोट करते हैं और दूसरों को भी संदेश जाता है क्योंकि वीआईपी जो है वो लोकतंत्र के महापर्व में वीआईपी नहीं बनता बल्कि वो इस लिहाज से वीआईपी होता है कि वो आपकी जैसा हमारे जैसा जो है नियमों को मानता है और उस नियमों के तहत जो है वो वोटिंग करने पाते हैं और ये संदेश भी देते हैं कि दूसरों को क्यों वोटिंग करना चाहिए। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे और ये कोशिश करेंगे, उनसे पहले जो है हम बीजेपी के और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं और इससे पहले जो है वो उनकी बातचीत खत्म हो हम जो है भोगल जी से पूछेंगे, जब आप डिप्टी सीएम के साथ है और देखा कि हमने पूरे परिवार के साथ वो वोट करने आते हैं हर बार, आप भी साथ में रहते हैं, क्या लग रहा है जो ये वीआईपी कल्चर है उसको आप ब्रेक करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मंडल अध्यक्ष आपसे बताएं सर, डिप्टी सीएम है आप जब लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होते हैं तो ये देखने को मिलता है कि आप बड़े साधारण तौर से होते हैं और एक चिर परिचित अंदाज है आपका, क्या कहना चाहते हैं आज आप देश की जनता को और प्रदेश की जनता को? लोकतंत्र का आज महापर्व है, लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और मतदान एक तरफ जहां अधिकार है वही कर्तव्य भी है और इसलिए सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्र में आकर मतदान अवश्य करें। आपकी रूटीन को हमने देखा है कि जब आप मतदान करने निकलते हैं तो बकायदा पूजा पाठ वगैरह करते हैं और आज भी शायद किया ही होगा, क्या अपेक्षा करते हैं ईश्वर से, क्या मांगते हैं आप? हम सब विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, हमारा भारत वैभवशाली बने, गौरवशाली बने, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़े, आम लोगों का जीवन सुलभ हो, खुशहाल हो, ये आज अपेक्षा है और इसी के लिए लोग बाहर निकले और मतदान करें। अब से थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो वोटिंग करने गए थे गुजरात में और देखा कि वो क्यू पे लगे हुए थे और बाकी प्रक्रिया पूरी की उन्होंने बिल्कुल जैसे साधारण इंसान करते हैं, जैसे बाकी सब करते हैं, ये क्या संदेश है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक है और प्रधान सेवक के नाते आम लोगों की तरह रहना, आम लोगों के बीच में रहना और देश को अपना परिवार जो मानते हैं, ये बताता है परिवार के साथ कैसे मिलकर मतदान करना, परिवार के साथ देश के विकास और तरक्की के लिए काम करना। आखिरी सवाल ये है कि जबकि आप खुद भी जो है डिप्टी सीएम है, आपके लिए क्या एजेंडे होते हैं जब आप वोट करने जाते हैं? जाहिर सी बात है कि आप ही वो एजेंडे तय करते हैं लेकिन फिर भी जब आप सोचते हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, इससे पहले आप खुद भी जो सांसद थे इस क्षेत्र से, अभी जब आपके सहयोगी वापस जो है तोखन साहू जी इस मैदान पे हैं और संभवतः जीत भी जाए, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी बिलासपुर लोकसभा के लिए? देखिए, बिलासपुर की जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज यदि बिलासपुर में उच्च न्यायालय है भारतीय जनता पार्टी की देन है, बिलासपुर में रेलवे का जोन है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, बिलासपुर में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं बिलासपुर की सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, आगे भी बिलासपुर का मान सम्मान और गौरव बढ़े, विकास हो बिलासपुर का, ये हम करेंगे। तो बिलासपुर के लिए विशेष जो है सेंटिमेंट रखते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पूरे परिवार के साथ जब जाते हैं, मैडम 2 सेकंड आपसे चाहेंगे, आप कहते हैं कि आप बताएं कि कहते हैं कि लगातार जो है आप पिताजी के साथ, हमने दूसरी बार देखा आपको, है ना, क्या लग रहा है कि आप एज अ यूथ वोटर आप अपने शहर के लिए क्या चाहते हैं? डिप्टी सीएम के बेटे हैं बेसिकली 2019 से पहले बिलासपुर का एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं था, 2019 के बाद बिलासपुर का एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है तो अब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बाकी और भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिलासपुर में और हाईकोर्ट तो बेसिकली मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो हाईकोर्ट तो है ही, तो बस ऐसा ही डेवलपमेंट चलते रहे। तो आपने देखा कि डिप्टी सीएम के जो बेटे हैं वो भी कहते हैं कि वो एक लॉ स्टूडेंट है और चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ और विशेषकर जो बिलासपुर का विकास है
वो होता रहे। और आप देख रहे हैं कि कितनी फैन फॉलोइंग है, मीडिया में कितना क्रेज है डिप्टी सीएम का, उनकी बातों को सुनने के लिए मीडिया जो है वो कतार पे लगी रहती है। और जैसे हमारी बातचीत खत्म हुई, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ से जो है उनको जो है सुना जा रहा है, उनको समझा जा रहा है। परिवार के और भी सदस्य उनके साथ आए हुए हैं, हम देख सकते हैं, और वोटिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिलासपुर का जो लोकसभा सीट है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यहीं से जो है उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, यहीं से बड़े नेता निकलते हैं, और बिलासपुर की राजनीति जो है एक अलग लिहाज की, अलग तासीर की राजनीति रखती है। और यही वजह है कि बिलासपुर का विकास जो है वो चौतरफा होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।